प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि गड़बड़ चीज पीजिएगा तो गड़बड़ होगा, और उन्होंने जिस तरह से शराब बंदी की, एक महिला होने के नाते हम भी फेवर करते हैं, लेकिन शराब बंदी की मंशा क्या थी, और शराब बंदी के बाद भी क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता है कि होम डिलीवरी हो रही है? क्या उनको ये नहीं पता है कि 200 रुपए की शराब 400 रुपए में घर घर पहुंची जा रही है? क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं मालूम है कि देसी शराब के नाम पे गंदा पानी, गटर का पानी और जहर के रूप में शराब पिलाई जा रही है, जिसके कारण ही लगातार एक दो नहीं, हमको लगता है 150-200 की संख्या पार हो चुकी है, क्योंकि ये पंचायत चुनाव का वक्त है और चुनाव में जिस तरह से धड़ल्ले से सरेआम चुनाव में भी लोग शराब का जो बांट रहे हैं, बंटवारा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, और उसमें जो सबसे सस्ती शराब है वो जहरीली शराब जो लोगों को मारने के लिए परोसी जा रही है, और एक तरफ मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि और हम निरीक्षण कराएंगे, समीक्षा कराएंगे, एक तरफ लोग मर रहे हैं और आप अभी तक समीक्षा में ही सिर्फ लगे हुए हैं। इमीडिएट कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि आखिर ये धड़ल्ले से लोगों के घर में और लोगों को शराब कैसे मिल रही है, कैसे बट रही है, कहाँ से आ रही है, और इसके पीछे कौन शराब माफिया है? क्या हम लोग ये सोच लें कि एक मोटी रकम सीधा मुख्यमंत्री आवास में पहुंच रही है? क्योंकि जब शराब बंद नहीं थी तो 4,500 करोड़ रुपए सरकारी कोष में जाते थे, और जैसे ही शराब बंदी हुई लगभग दुगना तिगना सरकारी कोष में नहीं जाके सरकारी लोगों के पॉकेट में जाने लगा। और आज जिस तरह से लोग देखिए, एक होता है अमीर तबका जो 200 रुपए की शराब 400 रुपए में भी खरीद रहा है, लेकिन नशे को रोक नहीं पाना जो आपका मकसद आप कह रहे थे, और जो गरीब लोग ताड़ी और देसी शराब पे निर्भर था, आज ज्यादातर गरीब शराब पीने वाला लोग मर रहा है, क्योंकि आपने कहीं भी रुकावट नहीं खड़ी की है, कहीं भी जो ब्लैकमेलिंग है शराब की उसको बंद नहीं किया है, जिसके कारण जो गरीब तबका है वो जहरीली शराब से मर रहा है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी नहीं चाहिए? क्या सरकार शराबबंदी के नाम पे लोगों को सस्ती और जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर नहीं कर रही है? क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है? क्या चुनाव में जहरीली शराब गांव गांव में टोल टोल पे दी जा रही है तो उनका प्रशासन क्या कान में तेल डाल के सो रहा है और आप सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं? इन सारी मौत, ये मौत नहीं है, ये हत्याएं हैं, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी इसमें? देखिए, जिस तरह से एनडीए सरकार के साथ नीतीश बाबू आज जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, और विपक्ष को बिहार प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, बिल्कुल ही विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश हुई है, बिहार में भी आप सत्ता में नहीं थे लेकिन जबरदस्ती जिस तरह से आप सत्ता पे काबिज है, और जिस तरह आप भी मीडिया वाले हैं, मैं आपको दोष नहीं दूंगी, लेकिन आपके जो आला कमान है, जो हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जिन आला कमान को चाहे ईडी की धमकी देकर, इनकम टैक्स की धमकी देकर, काला बाजारी के नाम पे जिस तरह धमका के तानाशाही से उनके मुंह को बंद किया गया है, और मीडिया एक ऐसा स्तंभ है कि जब विपक्ष लड़ता है, विपक्ष सरकार के पोल को खोलता है, तो मीडिया के माध्यम से ही लोग जानते हैं। आज मीडिया को ही चुप करा दिया गया है। विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहा है। हम जहां तक कहेंगे कि कांग्रेस पूरी ईमानदारी से विपक्ष के रूप में हर मुद्दे को, चाहे जहरीली शराब का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। लेकिन अगर बिहार में विपक्ष के नाम पर आप एक तरफ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अंदर अंदर गोटी भी बिठाएंगे पक्ष के साथ, तो दोनों चीजें नहीं होती हैं। विपक्ष में अगर आप हैं तो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है, तभी लोग आप पर विश्वास कर पाते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।